टाइपोग्राफिक मतलब क्या है, तो आगे अपन देखेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ, डिग्री देता हूँ। सर आवाज खूब स्लो आ रहा है आपका। ओके कंट्रोल स्लो नहीं सर, कमी है तो है। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा जोरात बोला, ये तो एक आता खूब दूर ने तो है आवाज, ये तो एक आता। हाँ ये तो आता। कंटेनर घेतला आहे मी सिंपल, ज्यामध्ये H1 घेतोय मी आणि H1 मध्ये सुद्धा हॅलो टाकतोय। असे H6 पर्यंत काय येतात आपल्याला, आपल्याला काय होते टोपोग्राफी मध्ये, टायपोग्राफी मध्ये बघू। आणि ती बोलणं पण नाही, कुछ भी नहीं है। नहीं सर ये तो बैकग्राउंड आवाज जस्ट है, बहुत कम आवाज आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज पण है सर, बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है। ठीक है मैं नीचे जाके बैठता हूँ, दो मिनट दे दूँगा। चलो अभी मैं इसको ओपन क्लाइवर सर्वर करके दिखता हूँ, तो कैसे दिखेगा? सिंपल दिखेगा, H1 H2 जैसे दिखता था वैसे दिखता है, बरोबर है? दिख रहा है सब कुछ? नहीं यस सर। ओके तो अभी क्या करना है अपने को, इस ड्यू के अंदर पी टैग लेने, कितने लेने? 6 लेने। जैसे कि अभी H1 H2 लिया ना अपने 6 बार, वैसे अपन को पी टैग कितने बार लेना है? 6 बार लेना है। क्लासेस सीख रहे हैं अपना उस ट्रैक के। ओके इसके अंदर मैं हाई लिख देता हूँ सबके अंदर, अल्ट दबा के सबको सिलेक्ट कर लेंगे एक बार। सर आप रिपीट बोलिए क्या करके? सर ये सिलेक्ट कैसे करते? पूरा अल्ट दबा के टैप करना है जहाँ पे बनाना है अपने को, वहां पे टैप करना है। और यहाँ पे क्लास लगाना पड़ेगा फिर अपने को। सॉरी सर आवाज नहीं है आपकी। हेलो हेलो आ रही सर। देखो अभी क्या किया मैंने, सिंपल पी टैग लिया, उसके अंदर पूरे हाय हाय लिखे हुए, बराबर है? अभी मैं इसको भी एक बार कंट्रोल एस करके लिखता हूँ, दिखाता हूँ एक बार क्या है। देखो पी टैग में दिख रहे हैं सब, पैराग्राफ टैग में दिख रहे हैं, और अपने जो ऊपर वाले थे H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक दिख रहे हैं, बराबर है? तो मेरे को इनको भी इनके साथ लाना है, मतलब इस ये जो हेलो है इसकी जो हाइट वेट थी, मेरे को इस हाई को लाना है, फिर इस हाई को उनको कौन सी लानी है, H2 के लिए लाना है, इस हाई को H3 के लिए लाना है। ओके तो वो क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करना पड़ता है यहाँ पे, इधर क्लास चलाना। हेलो सर कुछ भी नहीं समझ रहा है, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या आवाज? नहीं सर नहीं हो रही सर। नो सर क्लियर सर। और किसका अपने को हाइट विड्थ देना है, हाई को देखो यहाँ पर, इस हाई को किसका हाइट और विड्थ देना है अपने को, इस हेलो वाले का मतलब H1 वाले का, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे H1 डालो एक बार। ओके क्या हो गया, इसकी और इसकी हाइट विड्थ लगा दे इसमें, बस अभी बाकी का जो पी है उसको भी कर देंगे। अभी यहाँ पे क्लास क्या लेंगे अपन, H2 बस फिर से कंट्रोल एस करके दिखा देता हूँ। आ गया दूसरा भी है इसके बराबर, हाँ तीसरा भी करेंगे फिर H3 क्लास H3 कंट्रोल एस करता हूँ फिर से एक बार, देख लो इसकी और इसकी हाइट और विड्थ सेम दिख रही है, बराबर है? तो वैसे ही अपने को ये क्लास है अपन कर सकते हैं। हेलो सर क्लास के थोड़ा बोलो, हाँ बोलो सर एक बार सर थोड़ा रिपीट करो ना वो। हाँ चलेगा अभी जाएं के, हाँ कोई दिक्कत अभी जाएं कर दूंगा कर दूंगा। यहाँ पे H6 सर लिंक कौन सी कॉपी की सर आपने? लिंक ये वाले क्या? ये वाले बोल रहे क्या? हेलो हाँ सर वो वाले और ना, कुछ नहीं मैंने डाउनलोड किया था बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप डाउनलोड किया था, उसकी वजह से अलग लिंक है, बाकी कुछ नहीं है, बता दूंगा वो भी तरीका बता दूंगा। ओके सर अपन सीडीएन वाले भी ले सकते हैं ना सर? हाँ 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 चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने डाउनलोड किया ना, उसकी वजह से डायरेक्टली उस फोल्डर के ऊपर से मैंने सिलेक्ट किया उसका, डायरेक्ट सीडीएन ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल एस किया मैंने, देखो
इसकी हाइट विड्थ, इसकी हाइट विड्थ सेम आ रही है, एक दूसरे की भी सेम आ रही है, तीसरे की भी सेम आ रही है, चौथे की भी सेम आ रही है, पांचवे की भी सेम आ रही है और छठवे की भी सेम आ रही है। तो एच वन टैग का क्लास, एच वन टू एच सिक्स का क्लास पता चला आपको क्या करता है करके, इसमें किसी को डिफिकल्ट बताना है फिर से, ओके ठीक है ना। हेलो, किसको बताना था ना डॉक्टर फिर से? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ सर, 4G 5G होके भी ब्रेक हो रही है, मतलब क्या ही कहें अभी इंडिया में। सर ब्रेक कम हो रही है मगर वो ब्रेक अगर नहीं हो रही सर, मुझे लगता है कोई तो क्या किया अपन ने, सिर्फ क्या किया, कंटेनर लिया सिंपल सा, उसके अंदर H1 to H6 टैग रिटर्न किया इसके अंदर, ओके। और इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, हेलो हेलो लिख दिया। और अपन जो क्लास सीखने वाले हैं वो P के अंदर सीखे टोटली। तो क्लास कौन से सीखे अपन ने, कुछ भी नहीं, H1 to H6 से क्लास ही बूस्टर के अंदर, ओके 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 सर। उसके बाद क्या सीखना है अपने को, टाइपोग्राफी में दो और क्लास है इसके अंदर, एक डिस्प्ले होता है और एक बार डिस्प्ले वन टू डिस्प्ले सिक्स होता है, ओके। और उसके बाद आता है स्मॉल एंड मार्ज, पहले डिस्प्ले देख लेंगे इसको, मैं अभी इसे हटा देता हूँ। एच वन को अभी देखो ये कैसे दिख रहा है, एक बार बराबर है, बोल्ड दिख रहे हैं थोड़े, बोल्ड दिख रहे हैं थोड़े, यस। अभी जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले वन लिखूंगा ना, तो आप देख लेना क्या होता है। यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। साथ कैसे सिलेक्ट करते हैं आप एक क्लास डिस्प्ले वन सब? हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, देखो कंट्रोल दबा के रखना है, सॉरी अल्ट दबा के रखना है, और जहाँ पे आपने को एक साथ सिलेक्ट करना है ना, तो वहाँ पे टैप टैप करते जाओ। मेरे को एच वन भी होना, एच टू भी होना, एच थ्री भी होना ना, तो मैं यहाँ पे अल्ट दबा के रखा हूँ। एच वन को भी टैप किया मैंने, एच टू को भी टैप किया, एच थ्री को भी टैप किया, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स, समझ में आया? अल्ट दबा के करना है टैप। यहाँ पे डिस्प्ले वन लिया मैंने, डिस्प्ले टू, यहाँ पे डिस्प्ले थ्री, डिस्प्ले फोर, डिस्प्ले फाइव, डिस्प्ले सिक्स, कंट्रोल एस। डिफरेंस दिख रहा है क्या, कुछ कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? बोल्ड कम हो गया ना, ये थोड़े लाइट हो गए, तो ये डिस्प्ले कर जो हेडिंग रहते हैं अपने, तो वो डिस्प्ले करने के लिए अपन यूज करते हैं, ओके। डिस्प्ले वन टू डिस्प्ले सिक्स, ओके समझ में आया? डिस्प्ले डिस्प्ले समझ में आया सर? अभी मार्क देखते हैं, अभी मैं पी टैग ले लेता हूँ, पी टैग के अंदर कुछ देख ले लेता हूँ मैं, मेरे को भूषण को मार्क करना है, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे टैग लगा दो मार्क का, कैसा लगाना है मार्क का टैग, मार्क का टैग लगा दो, ये वाला मार्क का टैग इसके बाद में लगाना, बस भूषण के बाद। कंट्रोल एस, ओपन विथ ड्राइवर सर्वर। थोड़ा दिख रहा है क्या फ्रेंड, फ्रेंड दिख रहा है क्या आपको? यस सर, यस सर, भूषण, बस वही होता है मार्क, ओके। ये छोटे छोटे प्रॉपर क्लासेस है, टैग है, वो सब जो यूज कर सकते हैं। अभी इसके बाद क्या है, मार्क के बाद स्मॉल है, स्मॉल कुछ नहीं है, मैं एच वन को ही लगा देता हूँ, मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ,
स्मॉल टैग कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्मॉल जैसे दिखा देगा। कंट्रोल एस, बस ये बाकी कुछ नहीं है स्मॉल में। ए बी बी आर भी है, वो भी दिखा देता हूँ एक बार, एक डिग्री देता हूँ। इसको मैं कमेंट ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। और इसके अंदर सिंपल इसको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा बराबर। दो मिनट ला, दो मिनट। ओके, ये अपने को पी टैग में लेना है। और इसका फुल फॉर्म बताना है उसको, बस यहाँ पे क्या क्लास लगती है, टाइटल नाम की क्लास लगती है। ABBR, ABBR टैग रहती है, सॉरी क्लास नहीं रहता। ओके, और इसके अंदर फिर टाइटल रहता है अपने, इसके अंदर फिर टाइटल रहता है। टाइटल में ये BRT का फुल फॉर्म देना पड़ता है अपने को। ओके, मेरा नाम क्या होता है देखो एक बार। आया इसको बीच में लगाना पड़ेगा, ये पी टैग के अंदर में। यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दूंगा और इसके अंदर डालना है कंट्रोल बी। यस, देखो बीआरटी दिख रहा है क्या, उसके नीचे क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है क्या, अंडरलाइन दिख रहा है सबको? यस सर। उसके ऊपर रहने के बाद क्या क्या शो होगा, अभी हो रहा है क्या शो कुछ? हाँ सर, नेम नेम दिख रहा है। यस सर, यही होता है टाइपोग्राफी। ओके, इसमें किसी को डिफिकल्टीज है? बहुत कम आवाज के साथ आज लेक्चर हुआ आपने। क्या क्या सीखा अपन ने आज टाइपोग्राफी के अंदर? टाइपोग्राफी के अंदर क्या क्या सीखा अपन ने आज? कौन सी क्लास यूज किए? दो टैग यूज किए, दो क्लास यूज किए, कौन सी किए बताओ। ये एक तो तुम्हारे सामने है, एक क्लास तो तुम्हारे सामने है। डिस्प्ले मार्क स्मॉल, मार्क स्मॉल, एबीबीआर। पहला क्लास तो H1 है। H1 से क्या होता है आपने जो, हाँ, पी टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट होगा तो उसको अपने को H1 H2 जैसा बोल्ड करना है। ओके, उसकी हाइट भी उसको लगानी है। तो कौन सा क्लास यूज करते हैं अपन उसके लिए? H1 टू H6 बराबर है। उसके बाद क्या आया था अपना डिस्प्ले। डिस्प्ले का किसके लिए यूज करते हैं, वे को रूप देता हूँ सबका। ओके, डिस्प्ले किसके लिए यूज करते हैं अपन, जैसे कि अपने को हेडलाइन, हाँ हेडलाइन देना है, थोड़ा सा उसका जो फॉन्ट साइज है या बोल्डनेस है वो थोड़ा कम करना है अपने को। ओके, उसके लिए अपन डिस्प्ले 1 को डिस्प्ले 6 यूज करते हैं। उसके बाद दो टैग पड़े अपन ने, पहले टैग कौन सी थी? मार्क थी। क्या करता था मार्क? बैकग्राउंड लाइट, हाँ, अपने को जिसको बैकग्राउंड कलर कुछ देना है स्पेसिफिक वर्ड को तो अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे कि मैंने किसको दिया था, भूषण को दिया था बराबर है। तो उसके बैकग्राउंड कलर दिख रहा था ना, बैकग्राउंड कलर थोड़ा फ्रेंड था लेकिन, हाँ ठीक है, तो वो था अपना मार्क। उसके बाद क्या था अपना स्मॉल, टैग लिखा स्मॉल, तो वो स्मॉल तो आपको पता ही, उससे वर्ड से ही पता चलता है क्या करता है। ओके, वो सिंपल था। उसके बाद क्या सीखा अपन ने, दूसरी तीसरी टैग कौन सी थी? ABBR, उससे वो क्या करता है, कोई भी फुल शॉर्ट फॉर्म है उसको अपने को उसके ऊपर जाने के बाद होर होता है ना, जैसे होर होने के बाद कलर चेंज होता है बराबर है। होर किया है सब लोगों ने?
तो वैसे अपन उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो वो क्या बताएगा, उसका शॉर्ट फॉर्म का पूरा फुल फॉर्म बता देगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, देखो जैसे कि ये ऐसा होता है, फिर फुल फॉर्म बता देगा वो। ओके, तो ये था अपना टाइपोग्राफी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीआरटी? Abstraction, I think so. Abstract, I think so. दो मिनट बता देते हैं, ऐसा ही कुछ है। Abbreviation, हाँ, Abbreviation बराबर है। Abstract ही बोलता था मैं, Abbreviation होता है वो। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस करो, कोई डिफिकल्टी आए तो बताओ। हाँ, एक बार ये कैसा किया मैंने वो बताओ क्या, एक बार ये लिंक कैसे किया मैंने, ये देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया। यस सर, आपको फिर इंटरनेट की गरज मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। सॉरी, ये बताना है क्या आपको, ये कैसा किया मैंने वो बता देता हूँ मैं एक बार। हाँ, बता देता हूँ, बताइए। कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग चालू रखो या रहने दो, ठीक है। डाउनलोड भी जाना है, यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड, दिख रहा है डाउनलोड? यस सर। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। ओके, मैं डाउनलोड करूँ क्या एक बार फिर से आपके लिए? ओके, एक बात कर लेता हूँ मैं। जिप के अंदर आती है फाइल, देखो जिप के अंदर दिख रही है आपको फाइल, मैं यहाँ से इसको ओपन कर देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट इसको यहाँ से मैं ओपन करूंगा, इसके अंदर से ओपन कर, उसके अंदर से ओपन करेंगे। ओके, कहाँ पे डाउनलोड, इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट यस वही करना है। देखो ये ऐसी फाइल आएंगी अपने पास, आ गई क्या, बूटस्ट्रैप 5.0.2, इसको ओपन करना है। इसके अंदर एक जेएसपी फाइल मिलेंगी, एक सीएसएस की फाइल मिलेंगी, दिख रहा है क्या जेएसपी फाइल और सीएसएस की फाइल? यस सर। ओके, अभी अपना फोल्डर कहाँ पे है, ये यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर मेंटली कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मुझको फाइल लेके इधर मेरे पास नहीं है। ओके, तो ये फाइल मुझको वहाँ पे देना है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। और अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे देखो एक बार, अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे, बूटस्ट्रैप के अंदर। ओके, तो कहाँ पे बूटस्ट्रैप, ये देखो ये यहाँ पे बूटस्ट्रैप, ये की फाइल है अपने अंदर, देखो ये इंडेक्स की फाइल है अपने पास, ये इंडेक्स डॉट html की फाइल है, ये यही फोल्डर है अपने लिए। ओके, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो फाइल को पेस्ट करना पड़ेगा। देखो बूटस्ट्रैप की फाइल आ गई यहाँ पे, वहाँ पे क्लिक करो, और एक जेएसपी और सीएसएस की फाइल ऑलरेडी वहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना अपने को, सिंपल क्या करना है, अपने फोल्डर के ऊपर जाना है, यहाँ पे देखो आ गई वो फाइल। यस सर, ये निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, और नीचे वाली जो जेएसपी फाइल वो भी निकाल देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अभी देखो CSS की कौन सी फाइल लेना है, यहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो इतनी सारी फाइल दिखेंगे आपको, ये फाइल्स में से सिर्फ .min वाली CSS फाइल लेना है। देखो यहाँ पे bootstrap .min.css यही फाइल लेनी है, दूसरी फाइल लोगे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ओके, तो यही एक फाइल है, उसको क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी के लिए बात करना है, क्या क्या करना है फिर से बता देता हूँ। bootstrap.min.css को फाइल को क्लिक करना है, वो भी क्या राइट क्लिक करना है और कॉपी रिलेटिव पाथ करना है। ओके,
और फिर उनको पार करने के बाद सेल्स अपन कहाँ पे लिंक करते हैं, हेड के ऊपर, ये जो क्लोजिंग टैग है उसके ऊपर होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिंक कर दो और यहाँ पे कंट्रोल भी, ये हो गई मेरी सेल्स की फाइल लिंक। ओके समझ में आया मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सेल्स को टैप किया और जो एक फाइल थी मेरे पास bootstrap.main.css उसको मैंने क्या किया कॉपी रिलेटिव पाथ किया। जेएसपी भी लाना है अपने को, क्या करना पड़ेगा, जेएसपी फाइल दिख रही है यहाँ पे आपको, बस जेएसपी ऊपर क्लिक करो और उसके बाद bootstrap.main इसके भी मेन वाली फाइल देना है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को bootstrap.main.js उसको भी क्या करना है कॉपी रिलेटिव पाथ करना है बस। और अपना जो कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये कहाँ पे जाना पड़ेगा, बस यहाँ पे कंट्रोल कर दो उसको। ओके इससे क्या होगा, अपना अपने पास इंटरनेट नहीं भी होगा तो ये bootstrap की फाइल रन हो सकती है। ओके ये उसका फायदा, डाउनलोड करने के बाद अपन ने किया तो, अब बिना डाउनलोड किया तो अपने पास फिर इंटरनेट ना ही रहा तो फिर वो bootstrap रन नहीं होगा अच्छे से, ये ध्यान में रखना। तो आप